अब बताएं गुड़िया बेटा, मैंने वीडियो तो बंद करा रखी है लेकिन ज़बरदस्ती करते हैं। अभी एक दो तीन लड़के आए हैं यूट्यूबर, वो छीना छपटी भी कर रहे थे, कह रहे वीडियो बनवाओगे नहीं तो कैडम कहते झगड़ा हो जाएगा, वो मार कुटाई के कैडम कहते। अभी इसीलिए गुस्सा में आ कैडम कहते उनसे कोई कहा सुना हुआ, तभी बीच बचाव में वो मार्केट वालों ने बीच बचाव कर दिया। सर ये जो है ना, मैं यूट्यूबरों से ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरे नाम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तो हद ही होगी। चार लड़के थे यूट्यूबर जो मेरे से छीना छपटी करने लगे, कहले पहले वीडियो बनाएंगे तभी कैडम कहते आपसे प्यार से बोलेंगे आराम से, पता नहीं कहाँ से आ गए क्या आ गए। मैं वो जगह छोड़ के सर मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ आज, तो अब ये वीडियो तो बिल्कुल ही बंद करा दूंगा, कोई भी हो प्रशासन से भी पहले वो नहीं है, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं है सर, नहीं होगा तो अब थोड़े थोड़े टाइम में ये काम ही बंद कर दूंगा सर। वीडियो तो बंद ही है, अब कोई ना आए मेरे पास में वीडियो बनाने के लिए। यहाँ से प्यार से बोलते हैं, गलत थंबल लगा देते हैं, ठीक है जी, 2-4 हज़ार रुपये का पिताजी से, माँ बाप से, क्या नाम कहते हैं, फादर से, फैमिली से फ़ोन ले लिया अपना, यहाँ आके क्या नाम कहते हैं मस्ती काटते हैं या गाली गलौज करने लगे, झगड़ा करने लगे। उस दिन भी पड़ोसी से जो झगड़ा हो रहा था, इन लोगों का आपस में हो रहा था, तो वो भाभी जी से मैंने क्या नाम कहते हैं बुरा बना, इन लोगों को बीच बचाओगे, ये छीना छपटी करने में ये लगी है जी, पैसे छीन रहे थे, फ़ोन छीन रहे थे, कह रहे जब तक आप नहीं बनाओगे जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब बताइए क्या करें। मैंने सर जगह भी आज चेंज करी है सेंटर के कारण, वो भाई को थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए वीडियो बंद है, कोई भी ना आए, कभी भी ना आए, ठीक है जी, मुझे परेशान मत कीजिए सर। मेरे नाम से मेरे काम, कईयों का चैनल बढ़ा है, कईयों का मोटिवाइज हुआ है, कईयों का नाम बढ़ा है, मेरे को काम की, मेरे नाम से डोनेशन ले रहे हैं, मेरे को काम की, मेरे को पैसे की, मेरे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को जो प्यार मिल रहा था अभी तक सब कुछ ठीक था, कुछ अच्छे यूट्यूबर है, ये जितने लफंडर आ गए हैं कम पढ़े लिखे, अभी कहाँ से आए हैं पता नहीं, कहता जी मैं तो वहाँ से जेल से छूट के आया हूँ, 4 महीने वहाँ काट के आया हूँ, नहीं बनाएगा तो मारूंगा और पकड़ के। 3 लोग थे जी, आज तो हद ही कर दी है। मैंने मजबूरी में, ये मार्केट में कोई आता नहीं है, ये खाने वाले जितने भी हैं ये इन लोगों को परेशानी होती है, तो इसीलिए मजबूरी में आज नेहरू प्लेस में कोई खाने का लगाता नहीं है, तो इन मार्केट वालों ने बोला 2-4 जनों ने कि आप लगाया करो हमारे लिए, तो उनके लिए मैं आता हूँ। वीडियो तो बंद है जी, अब कोई भी ना आए, कभी नहीं आए, बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। उस दिन भाभी के साथ में वो महेंद्र भाई हैं जो उनके साथ में कहा सुना किया, वो यूट्यूबरों ने उनके आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, उस बेचारे का रोज़गार बंद हो जाता है, इसीलिए वीडियो तो बंद है साहब। प्रशासन ने भी बोला किसी आदमी की जेब कट गई थी, कोई एक यूट्यूबर उन्हीं उसी में मॉल था, ठीक है जी, उसकी बेचारे की गरीब आदमी की जेब कट गई वहीं मेरे पास में बैठे हुए, उसका जवाब भी मेरे को देना पड़ रहा है, लेकिन ये यूट्यूबरों में से ही काटी है, कोई ना कोई उसी में से आया है, भीड़ लग जाती है सर। मैं उनको यही कहता हूँ साहब, वीडियो अभी बंद है, प्रशासन से अभी वो नहीं मिला है, परमिशन नहीं मिली है, लेकिन आज के झगड़े में तो और हो जाएगा। ये साहब बीच बचाव में पैसे छीन रहा था एक यूट्यूबर, उसी में लगी है जी। कल आके बोलने लगा मैं ऐसा ही हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे को दोष देने लगा। मैंने कहा जब उसकी कार्ड मांगा तो वो कहने लगा चला गया। मैंने कहा अपना कार्ड, अपनी आईडी दिखा दे, पेज नंबर दिखा दे, तब वो चला गया। ऐसे ऐसे लोग करते हैं जी मेरे साथ, क्या करूँ मैं। प्लीज़ अब तो वीडियो बंद है साहब, कोई भी ना आए।